नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्में ठाकरे और मणिकर्णिका के 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और इसी के साथ जानने वाले हम लोग कल रिलीज होने वाली फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के बारे में, जो कि एक लव रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में आपको लेजेंडरी एक्टर अनिल कपूर, जूही चावला, राजकुमार राव और सोनम कपूर नजर आने वाले हैं। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाली है शैली चोपड़ा। दोस्तों, बता दें कि इस फिल्म को राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शंस के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर पहले रिलीज किया गया था जिससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था ऑडियंस के ऊपर। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म का जो गाना है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वो थोड़ा अच्छा है। वहीं इस फिल्म का जो दूसरा ट्रेलर आया है वो भी थोड़ा इम्पैक्टफुल है। जी हाँ दोस्तों, थोड़े इमोशंस लव स्टोरी से बनी इस फिल्म ने अपने रिलीज से पहले कोई खास बज नहीं बना पाई है, और दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए की ही ओपनिंग लेती नजर आ रही है, जो कि बहुत ही कम ओपनिंग है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक बार फिर से आपको अनिल कपूर सर और जूही चावला मैम साथ में नजर आने वाली है। वहीं राजकुमार राव और सोनम कपूर की पहली बार जोड़ी जम रही है। तो दोस्तों, जिस तरह से इस फिल्म का बज बना हुआ है, ये फिल्म अपने पहले दिन सिर्फ 2 से 3 करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिल्म ठाकरे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म बाला साहेब ठाकरे के ऊपर बनाई गई फिल्म है, जिसमें आपको लीड रोल में दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता राव। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिजीत पंसे ने। इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 1800 स्क्रीन्स पर लगाया गया था, और दोस्तों इस फिल्म को 2 भाषाओं में रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 6 करोड़ रुपए, वहीं दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा था 10 करोड़ और तीसरे दिन रहा था 8 करोड़। तो दोस्तों, इस तरह से इस फिल्म का जो 3 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था तकरीबन 24 करोड़ रुपए। वहीं इस फिल्म ने अपने 4थे 5वें और 6ठे दिन भी बहुत ही अच्छी कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने 4थे दिन कमाए थे 4 करोड़ रुपए, 5वें दिन कमाए थे 3 करोड़ रुपए, वहीं अपने 6ठे दिन इस फिल्म ने कमाए हैं 2 करोड़ 75 लाख रुपए। और दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म का जो 6 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था तकरीबन 35 करोड़ रुपए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, ये फिल्म अपने 7वें दिन भी तकरीबन 2 करोड़ रुपए की कमाई आराम से करती नजर आ रही है, जिससे इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका है ऑल इंडिया नेट पर 37 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों, ये फिल्म ग्रॉस कलेक्शन में पहुंच चुकी है तकरीबन 48 करोड़ रुपए पर। बता दें दोस्तों कि इस फिल्म का जो बजट है वो है मात्र 25 करोड़ रुपए का, और ये फिल्म हो चुकी है सुपरहिट। अब बात कर लेते हैं हम लोग मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के बारे में, जो कि वीरांगना माता रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बनाई गई फिल्म है, जिसमें उनकी वीरता और साहस को बताया गया है। इस फिल्म के लीड में आपको दिखाई दी है कंगना रनौत। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिश और कंगना ने मिलकर। अगर बात करें इस फिल्म के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3000 स्क्रीन्स पर 3 भाषाओं में लगाया गया था, और इस फिल्म ने भी अपने पहले दिन काफ़ी अच्छी ओपनिंग ली थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 8 करोड़ 75 लाख रुपये। वहीं इस फिल्म का फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन रहा था 43 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म के कलेक्शंस आ रहे हैं वो काफी कम है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का बजट है तकरीबन 125 करोड़ रुपए का। अगर बात करें इस फिल्म के 4थे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने 4थे दिन कमाए थे मात्र 5 करोड़ 10 लाख रुपए। वहीं इस फिल्म ने अपने 5वें दिन भी काफ़ी कम कमाई की है दोस्तों, और इस फिल्म ने कमाया था 4 करोड़ 75 लाख रुपए। वहीं 6ठे दिन इस फिल्म ने कमाया है 4 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का जो 6 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था तकरीबन 55 करोड़ रुपए। अब बात करें अगर इस फिल्म के 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने 7वें दिन भी तकरीबन 4 करोड़ रुपये की ही कमाई कर रही है, जिससे इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है ऑल इंडिया नेट पर वो हो चुका होगा 59 करोड़। और दोस्तों, इस तरह से इस फिल्म का जो बजट है वो रिकवर करना मुश्किल लग रहा है। बता रहे दोस्तों कि ये फिल्म ग्रॉस कलेक्शन में तो काफी अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन नेट कलेक्शन के हिसाब से ही हिट और फ्लॉप का वर्डिक्ट मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये फिल्म काफी कम कमाई कर रही है, जिससे ये फिल्म हो सकती है फ्लॉप। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बहुत ही प्यारी बनाई गई फिल्म है, जिसमें आपको झांसी की रानी की वीरता को देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म में कंगना की एक्टिंग की भी तारीफें हुई है। तो दोस्तों, आप सभी को इस फिल्म को देखने जाना चाहिए, जिससे ये फिल्म हिट हो जाए, और इन फ्यूचर में अगर कोई भी प्रोड्यूसर इतनी बड़ी फिल्म बनाना चाहे तो उनको हौसला मिले। तो दोस्तों, आप ये फिल्म देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।